एरर मैसेज अब शो हो रहा है, लेकिन इसके दरमियान मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर आए, तो हम कोडिट एडिटर में आएंगे और डेट पिकर में, और मैंने टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे कितनी स्पेसिंग ऐड की थी, इसको यहाँ से क्लोज करो। यहाँ पर मार्जिन टॉप वैसे ऐड किया हुआ, इसमें लेट्स से टू ऐड करते हैं। ओह सॉरी, ये मार्जिन राइट है, मुझे मार्जिन टॉप चाहिए, सॉरी। हाँ ओके ठीक है, ये हो गए। उसके बाद अब अगर ये है, ये हमारा एक केस सही हो गया कि अगर स्टार्ट और एंड डेट मैच करती है तो ये एरर दे देता कि भाई ये हम नहीं हो सकता, ठीक है, ये वैलिड नहीं है केस। उसके बाद अगर आप इसको करते हैं, एंड डेट को स्टार्ट डेट से पहले कर देते हैं, तो अभी ये इनवैलिड केस है, इसको भी हैंडल करना है। इसके लिए कोड में आएंगे और जो इसका लॉजिक है यहाँ पर, एल्स कॉन्स्ट स्टार्ट डेट, उसको डे जे एस, इसको स्टार्ट डेट का स्ट्रिंग दे देंगे और ये काम मैं ट्राई कैच में करूंगा, क्योंकि हो सकता है यूजर इसमें कोई पंगा करे, तो बेहतर है कि हम इसे ट्राई करें। और यहाँ पे हम एरर दे देंगे दोनों फील्ड्स में, एड इश्यूज कर सकते हैं, नहीं इश्यू ही है, स्टार्ट डेट में इसको लेट करते हैं। ओके लेट स्टार्ट डेट इनवैलिड स्टार्ट डेट वैल्यू, और सेम करते हैं एंड डेट के साथ इनवैलिड एंड डेट वैल्यू। उसके बाद जब अगर दोनों ये हो जाएं, इफ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तभी आगे काम चले। इफ कॉन्स्ट एंड डेट इज बिफोर स्टार्ट डेट, और इसका बेसिकली हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर डेट जे एस स्टार्ट डेट इज आफ्टर एंड डेट, सिंपल। यहाँ पर उल्टा कर सकते हो, एंड डेट इज़ बिफोर स्टार्ट डेट, जो भी कर वही कर लेते हैं ताकि चलो पढ़ने वाले के लिए आसानी होगी, इज बिफोर स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे इसको एंड डेट पर कर देंगे, एंड डेट कैन नॉट बी बिफोर स्टार्ट डेट, ये ठीक है। इक्वल करेंगे तो इस पे एरर आ जाएगा, आगे करेंगे तो फिर सही हो जाएगा। तो ये आपके सामने ये दोनों केसेस कवर हो गए। हम एक काम ये भी करेंगे कि ये जो यहाँ पे सेट कर दिया ना, इस चीज को बेसिकली हम क्रिप्टो जैसे कर लेंगे, इनक्रिप्ट कर लेंगे और डिक्रिप्ट कर लेंगे, ताकि यूजर यहाँ पे डायरेक्टली चीजों को चेंज ना करे, वो बिला वजह की ना एक किस्म की सर दर्द हो जाएगी यूजर के साथ। तो इस चीज को कर लेते हैं अभी। यहां पे आएंगे और सबमिट पे सर्च पर हम पे एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, इनम टाइप्स यूटिल्स हेल्पर फंक्शन, जिसमें के एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट सर्च टर्म्स डाटा
ये रिसीव करेगा डेटा जो के रिकॉर्ड स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का होगा, और ये रिसीव करेगा इस चीज को, ओके। और यहाँ पर ये बेसिकली ट्राई कैच लगा लेते हैं इन क्लिप इनक्रिप्टेड डाटा जो कि हो जाएगा इनक्रिप्ट डाटा, और डेटा पास करेंगे इसको, लेट से इसको भी अननोन कह देते हैं बजाय इसके के स्पेसिफाई करने के। ये स्ट्रिंग आ गई, इफ डेटा देन सेट एस डेटा थ्रो यू एरर या थ्रो एरर सिंपल। और अगर थ्रो ही करना है तो फिर ट्राई कैच करने की जरूरत ही नहीं है। ओके यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्ट एक्सपोर्ट गेट डाटा, इसमें बेसिकली हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो होगी ये URL सर्च कॉलम्स रिटर्न डिक्रिप्ट डाटा। यहाँ पर पहले कॉन्स्ट एस इक्वल टू या फिर सर्च कॉलम्स इक्वल टू सर्च कॉलम्स डॉट गेट एस। ओके इसको बेसिकली उधर कर लेते हैं कि ना बना लेते हैं इसका
ओके, ये दो फंक्शन हमने लिख लिए, अब इनके थ्रू काम हो रहा होगा। इनको मैं अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट और एंड करता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओके। और यहाँ पर इसकी बजाय हम जो है इसको लेट से गेट सर्च पैरामीटर्स डाटा, ये हो गया। और उसके बाद जब ये कर रहे हो तो सेट सर्च पैरामीटर्स डाटा, डाटा लिया और सेट सर्च, ये हो गया। देखते हैं क्या होता है। इसको सेट किया और ये वैल्यू सेट हो गई और वैल्यू गेट भी हो गई। जबरदस्त हो गया। सॉरी, इसको पैचे कर लो। साथ ही ये भी हो जाता है और ये डन। यहाँ पर बस एक चीज रह गई अब, वो ये है कि जब ये डाटा गेट होगा ये अननोन टाइप का होगा, तो यहाँ पर हम इसको जेनेरिक टाइप का कह सकते हैं और इस डाटा को यहाँ पर टाइप पास कर सकते हैं कि किस टाइप का होगा। ओके टी, और रिटर्न टी। ये जेनेरिक और ये टी हम यहाँ पर पास कर देंगे, लेकिन ये यहाँ पर नल भी हो सकता है इन केस एल्स के। ओके, और इसको ट्राई कैच में भी रैप कर लेंगे और रिटर्न नल। ये हो गया। यहाँ पे वापस आएंगे इस चीज में और इसमें बेसिकली इसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि सर्च पे जो इसकी टाइप है उसको, ये है। उसके अलावा टाइप में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट आई सर्च आर्टिकल्स फिल्टर्स सर्च पैरामीटर्स। और ये कॉन्स्टेंट नहीं, इंटरफेस चाहिए मुझे। कीवर्ड और वंस अगेन ये सारी चीज़ें, ये मैं ऑलरेडी कर नहीं चुका इसको, नहीं फॉर्म डाटा, हाँ ये इसको लॉगिन को एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको ये कहना है कि ये सारा ऑप्शनल है। ऑप्शनल नहीं, टाइप स्क्रिप्ट मेक टाइप, ओ सॉरी, हाँ टाइप होती थी वो, टाइप इक्वल टू ये जो था इसकी जगह टाइप फ्रॉम
अदर टाइप ऑप्शनल, ऑप्शनल प्रॉपर्टी टाइप, इस तरह ये सारा कुछ हमारे पास। ये बेसिकली इसमें टाइप स्क्रिप्ट यूटिल्स, यूटिलिटी टाइप्स, हाँ ये थी। पार्शल, ये रही, हाँ पार्शल ये रही। और इंटरफेस पे जा सकता हूँ, इंटरफेस, इंटरफेस एक्सटेंड पार्शल दिस, ये रही। ओके अगर आप इंटरफेस भी लाना चाह रहे हो तो यहाँ पर इसको, और ये अब आपको ये सारा कुछ बता देगा, मीन के टाइप वो मिल जाएगी, ऑटो कंप्लीशन टाइप सेफ्टी ईटीसी। अच्छा सेव, और इसको क्लोज। ये बाकी भी अगर आपने रीड करनी हो तो यहाँ से यूटिलिटी टाइप्स कर सकते हैं, काफ़ी मीन के अच्छी हैं और काम की हैं। इसके साथ ही हमारे पास ये डाटा सही तरह आ रहा है। ये हमारा काम हो गया, और अब यूजर एटलीस्ट इसके साथ यूजर पंगा नहीं ले सकता, अगर पंगा लेगा तो वो खराब हो जाएगा, ओरिजिनल डाटा आ जाएगा। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से ये पहले से बेहतर हो गया। ये इसी के साथ यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसको कैटेगरी को और सोर्स को एक सिलेक्ट के कंपोनेंट के साथ रिप्लेस करेंगे। सिलेक्ट का कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास रेडिक्स यूआई में भी आई थिंक सिलेक्ट का कंपोनेंट है, थीम्स में आ जाती है। प्रिमिटिव्स वो बेसिकली अलग एक पैकेज है, तो मैं थीम वाला जो सिंपल बेसिक है उसको यूज करना चाह रहा हूँ। ये इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर किसी वजह से ये आपकी नीड पूरी नहीं करता, मीन के जो भी आपको अगर कोई कस्टमाइजेबल या कोई चीज चाहिए तो आप इस चीज को भी सिलेक्ट, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली ये पैकेज आपको करना पड़ेगा, और ये देखें बताया हुआ है, और उसके बाद ये ज़रा ज़्यादा दे देगा वो। लेट्स से अगर इससे भी आपका काम नहीं चलता जिस भी वजह से, तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है, काफ़ी डाउनलोड्स हैं इसके, तो मे भी इसके साथ आपका काम चलता। अदरवाइज फिर आप अपना कस्टम बना लीजिएगा, मेरे साथ भी शेयर करिएगा। मैं अभी इसके साथ काम चलाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक एक सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए जिसपे चेंज हो सके वैल्यू, और सिंपल हमारी प्री डिफाइंड वैल्यू होगी। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इस चीज़ को अभी के लिए इन तीनों को रहने दूंगा, ये अभी यूज़ होंगे, बाद में इनको इनकी तरफ आऊँगा मैं। फॉर्म फील्ड में सिलेक्ट इनपुट डैक्स डॉट टी एस एक्स कॉन्स्ट सिलेक्ट इनपुट रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये, और इसको इसमें से इम्पोर्ट कर लिया, दैट्स इट। ये इसमें जो भी है डिसेबल ईटीसी, इसको भी मैं बाद में देखूंगा, अभी सिर्फ इसको एक दफ़ा लगा के मुझे समझ लग जाए कि ओके ये चीज़ क्या है। और टाइप में आ जाते हैं यहाँ पर, और ये जो है ये दोनों टाइप सिलेक्ट होंगी। ये टाइप मुझे यहाँ पे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी सिलेक्ट, और जब सिलेक्ट की टाइप डिफाइन करनी है तो फिर इसके ऑप्शंस डिफाइन करने हैं। ऑप्शंस और यहाँ पर कैटेगरी के ऑप्शंस चाहिए, तो ये डिफॉल्ट प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए मैं
क्या यूज कर सकता हूँ मैं, डाटा को यूज कर सकता हूँ या किसी भी चीज को यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा एपीआई में, सबसे पहले हम एपीआई में देखेंगे हमारे पास चीज क्या आती है। ये हमारे पास, इन तीनों को मैं क्लोज कर लूंगा, इनका काम ऑलमोस्ट हो चुका है अभी के लिए। यहाँ पे URI और ETC, ओके, ये एक चीज है। मैं जो चीज बेसिकली यूजर को प्रोवाइड कर रहा हूँ न्यूज, सिंपल सिंपल जो हो, ताकि बहुत ज्यादा उस पर सर खपाई ना हो। न्यूज, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स, दैट्स इट। ये तीन से चार हम प्रोवाइड करेंगे और बस इसी में हम अपना काम कवर करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला होगा हमारे लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी एपीआई में जो है URI हमें देनी होती है। बेहतर है कि इसको स्टडी करने से बजाय हम डायरेक्ट बैकएंड के कोड में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कैटेगरी किस किस को प्रोवाइड की गई है। कैटेगरी इन दो में है, मतलब कैटेगरी जब यूज़र डिफाइन करेगा तो इन दो को इफेक्ट होगा। ओके और ठीक हो गया, चलें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा कौन सा, द गार्डन एपीआई, सॉरी द गार्डियन एपीआई, इसका मेरे ख्याल से प्री डिफाइंड वैल्यूज थी जहाँ तक शायद मुझे याद है। मैं इसकी कैटेगरी को पास कर, ये जो कैटेगरी आई है इसको किसको पास कर रहा हूँ, सेक्शन को पास कर रहा हूँ, सेक्शन, ओके। ये ओके, दैट्स इट। वापस आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, फ्रंट एंड के कोड में आ जाते हैं और ऑप्शंस अभी के लिए मैं एक से दो ऑप्शंस यहां से ले लूंगा और दो ऑप्शन वहां से ले लूंगा, ताकि जब यूजर कुछ सर्च करे तो उसको एटलीस्ट कुछ डाटा मिल जाए प्लीज। ये है, अगर कोई मिलता जुलता ऑप्शन होगा तो वो और ज्यादा बेहतर है। और ये इसमें क्या, रिटर्न ओनली कंटेंट इन दो सेक्शंस, फेस, फुटबॉल, अच्छा मैं इस एपीआई को एक दफ़ा कॉल करना चाहता हूँ देखने के लिए कि सोर्स में, मेरे ख्याल से मैं ये कॉल करता था। यहाँ पे आते हैं फुटबॉल वाले, फुटबॉल, ये सेंड, ओके ठीक है, डन है। बेसिकली हम फ्रंट एंड पे दो से तीन कैटेगरीज यहाँ पे बना लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं बजाय इस पे। एक आ गई स्पोर्ट, ओके, लेबल, स्पोर्ट्स और वैल्यू, वैल्यू में स्मॉल में, और ताकि अगर हमने कुछ चेंज भी करना हो स्पेस वगैरह तो मसला ना हो, कंट्रोल हो। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों में, बिजनेस, ओके ठीक है, इसमें बिजनेस एटलीस्ट है, मैं एक दो चूज कर सकूंगा, और इसमें बिजनेस है, ओके इसमें भी बिजनेस है, डन है। तो बिजनेस, बिजनेस और उसके बाद एक कम से कम और, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इसमें है एटलीस्ट,
और इसमें है कर एंटरटेनमेंट, डन है, इसमें भी एंटरटेनमेंट है। ओके इसी को कॉपी कर लेते हैं, स्पेलिंग इजी रहेंगे मेरे लिए। लेबल एंटरटेनमेंट वो मूवी याद आई, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। खैर ये तीन कैटेगरीज बहुत हैं, बाकी और ऐड करनी होगी तो बाद में ऐड करेंगे, अभी इस पे और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। उसके बाद सोर्स को देख लेते हैं कि सोर्स का क्या सीन है। सोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स मेंशन कहाँ पे है, ये रहे। ओके सोर्सेस यहाँ पे बैकएंड में ही आ जाते हैं, बैकएंड में ज़रा इजी रहता है चीज़ को समझना। और यहाँ पे आया सोर्स, और ये सोर्स यूआरए में दे रहा है। ओके यहाँ पे आ गया, इसमें सोर्स यूआरए, सोर्स यूआरए, ये हमारे पास फिल्टर्स में है, डन है। मैं यहाँ पे आऊँगा इसको, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। और इसको ख़त्म करने से पहले मैं इनकी आईडीज स्टोर कर लूँगा जो बेसिकली मुझे बैकएंड में चाहिए, क्योंकि बैकएंड में मैंने जब एंटरटेनमेंट कैटेगरी फ्रंट एंड से आनी है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक डाटा बैकएंड जो एपीआई है उसको सेंड करना है ताकि वो काम सही करे। तो इस चीज़ को, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट, और ये यूआरआई है उसके लिए जो इसका है। यहाँ से मैं इसको बंद कर लूँगा और इसमें एक न्यू फाइल ओपन कर लूँगा अभी के लिए, अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर एक न्यू फाइल रिकॉर्ड या जो भी आप कहना चाहें, TST, और इसको बंद कर दूँगा। फ्रंट एंड एंटरटेनमेंट जो के बैक एंड में, इसको बेसिकली मैं MD फाइल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये ओके ये किसी वजह से स्पेसिंग इसमें मसला कर दिया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। रिकॉर्ड ये स्पेसिंग इसमें किसी वजह से मसला कर रही है, मैं अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद इसमें करना देखेंगे। जो फ्रंट एंड में एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है उसमें बैक एंड में न्यूज़ API डॉट AI को जो मैंने सेंड करना है वो है उसकी URI ये। उसके अलावा ये सोर्स UI है कि कैटेगरी है, ये बेसिकली कैटेगरी है। ओके कैटेगरी, कैटेगरी जब एंटरटेनमेंट फ्रंट एंड से आएगी तो मैंने इसको ये सेंड करना है। और यहाँ पर एवरीथिंग में मेरे पास कुछ है, ठीक हो गया, बस ठीक है। इसमें आ जाते हैं, इसमें हमारे पास
यहाँ पर ये है सेक्शन। ओके तो कैटेगरी URI ये होगी, और द गार्डियंस API में जो सेक्शन है ये कौन सी है? ओके न्यूओलॉजी में ये सोर्सेस, और ओके इसको कॉपी किया। यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, लेकिन सोर्सेस, और इसको देख लिया, और कोमा सेपरेटेड। यहाँ पर आए और इसको बेसिकली मैंने सेलेक्ट कर लिया कौन से एंटरटेनमेंट में। जहाँ पे कैटेगरी एंटरटेनमेंट है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। पॉलीगॉन, तो अपनी आसानी के लिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, सर्च को अपडेट कर रहा हूँ। बिज फीड, एंटरटेनमेंट वीकली, IGN, मैशेबल, और एक और NYK न्यूज़। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में कुछ है इस तरह का। सेक्शन फुटबॉल स्ट्रिंग, ये ठीक हो गया। ओके इसको एज इट इज पास कर दिया सेक्शन। लेट से इसको ट्राई कर लेते हैं। स्पोर्ट, जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। ओके इसका तो टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं। खैर हम उसके सेक्शन में उसको पास कर देंगे, अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ना सही। योर टाइम्स, और इसमें मेरे ख्याल से हमारे पास प्री डिफाइन थे शायद। नहीं यहाँ पर आके फील्ड लिस्ट है ये और वो, ठीक है इसमें सिर्फ और सिर्फ एज इट इज ही आना। यहाँ पे इसको ओके, बट
मल्टीमीडिया नहीं चाहिए इसमें, जैसे मैंने बताया था, ये भी नहीं चाहिए। हाँ बस ठीक है, इसमें एंड वाली में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसमें क्यू में वो सेम वैल्यू जो हमेशा फ्रंट एंड से आ रही। गार्डियन में वैसे ये चीज़ है, क्यू क्यूरी जो सर्च क्यूरी है वो इसमें है, ये रही। बस ठीक है, इंस्टा सेक्शन की बजाय मैं क्यू में उसको ऐड कर दूंगा। ओके ये हो गया, फ्रंट एंड में आ जाते हैं। इसमें इन दोनों में बस बेसिकली स्पेसिफिक है और बाकियों में जनरल है। ये हो गया, इसको आप वहाँ पे फील्ड को शो करवाते हैं और शो करवाने के बाद फिर हम एक्चुअल आगे ना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं और ये टाइप का इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये बेसिकली इस वजह से इस तरह कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, तो ये नहीं। सेव और कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आके इसी को कॉपी कर लेते हैं। एल्स इफ दिस टाइप सिलेक्ट, तो बेसिकली ये चाहते हैं कि हम आप ये यूज करो। और ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये सारे हम यहाँ से ले लेते हैं ताकि ये सारा कुछ फिर डिफाइन ना करना पड़े। ये यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे, और मैंने इसको सारे को शायद कॉपी किया था, इसको ऐसे, और ये यहाँ पर, और फिर इस सारों को यहाँ पे गेट कर लें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ सेव करें और देखते हैं कि क्या हुआ। ये यहाँ पर ऐसे तेज आ गए, और अब यहाँ पे एक चीज करनी है जो कि है यहाँ पर मेनली जो है मुझे ऑप्शंस चाहिए, ऑप्शंस ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस इस टाइप के हैं। हम यहाँ पे आके इसको बताएंगे ऑप्शन टाइप, और वो फिर यहाँ पे हो जाएगा। उसको जेनेरिक में हम स्टोर करवा लेते हैं, ये बेसिकली फॉर्म डेटा है, और इसमें एक्सपोर्ट इंटरफेस हाई सिलेक्ट ऑप्शन लेबल स्ट्रिंग
वैल्यू स्ट्रिंग। ऑप्शंस अरे ये इस चीज की अरे और लेबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है इसकी, और मैंने गलती से ग्रुप को डिलीट कर दिया है। ये क्या हो रहा है, सॉरी ये कंटेंट, ये ग्रुप, अच्छा ये ग्रुप यहाँ पे, यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तक, और ये ग्रुप ऐसे। मेरा नहीं ख्याल ग्रुप की जरूरत है, लेकिन देखते हैं। डॉट मैप एल रिटर्न ये हो गया, और वैल्यू और लेबल इसको अभी के लिए साइड पे करते हैं, क्योंकि ये नहीं हो रहा, और ये सिलेक्टेड वैल्यू जो कि डेट रूट नहीं होगी, स्ट्रिंग या नल होगी। अच्छा ये कह रहा स्ट्रिंग या नल, या अनडिफाइंड इज नॉट स्ट्रिंग कर दें। चले जी, अब सिलेक्ट करोगे तो वो सेट हो जाएगा, और इसका प्लेस होल्डर है कि नहीं, कैटेगरी कोई नहीं, इसलिए बेसिकली वो शायद रिएक्ट सिलेक्ट ज़रा बेहतर है, इसमें कम अज़ कम ये वाले पंगे नहीं होंगे आपके। मैं रिएक्ट सिलेक्ट के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में भी हो सकता है बिला वजह इश्यूज आए, तो बेहतर है कि एक दफा ही उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। यहाँ पे आए, इसको इंस्टॉल करें और फिर कंटिन्यू करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। यहाँ पर मैं एक दफ़ा इनको क्लोज करके एक एरर था शायद किसी में, इसको रिफ्रेश कर लूँगा ताकि वो जो पिकअप वाला काम है वो हो जाए। किसी एक कंपोनेंट में शायद एरर था, वो मैंने गलती से, खैर बाद में शो हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पे, इसकी मैं ऑप्शंस सेलेक्ट वैल्यू ऑन चेंज और ऑप्शंस ये है, यहाँ पे आ जाते हैं। इसको नहीं चाहिए, सेलेक्ट रिएक्ट सेलेक्ट, वैल्यू वैल्यू और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर और मिन डेट मैन डेट मैक्स डेट नहीं चाहिए। ऑप्शंस 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 इस टाइप के हैं, वैल्यू और लेबल, और यही है टाइप।
ओके। और ये जो काम है ये यहाँ से सेट कर लेंगे। अच्छा जी, ये क्या है? स्पोर्ट्स अच्छा, यहाँ पर अब जो इशू आ रहा है वो बेसिकली ये है कि ये सही तरह वैल्यू नहीं शो कर रहा। मैं यहाँ पे ओके। अच्छा, और उसके बाद ठीक है। ये रिएक्ट सेलेक्ट का कंपोनेंट है सच, इसकी सही तरह प्लीज। इसको कॉपी करते हैं।
ओके ठीक है। ये बेसिकली इसमें ही कोई मसला, ये मीन के मैं इसको एज इट इज असाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये ना इसमें ही कोई इटसेल्फ कोई मसला है। इसकी टाइप्स, आई थिंक इसकी टाइप शायद जो है ना वो इम्पोर्ट नहीं हुई। हाँ ओके, इसकी टाइप्स इम्पोर्ट नहीं हुई, ये टाइप डेफिनेशन शायद अलग दे रहा है, जिसकी वजह से नहीं। खैर मैं अभी के लिए इसको अपडेट करा रहा हूँ ऑप्शंस, और इसको साइन करा रहा हूँ, दैट्स इट। एरर आ रहा है तो कोई मसला नहीं, ये देखें, क्योंकि तो ये काम कर रहा है, लेकिन वो जो भी उसकी वजह है, वो उसकी किसी वजह से उसको ना एरर वगैरह दे रहा है, लेकिन मीन प्रैक्टिकली ये सही काम कर रहा है। अच्छा, इस फ्लैक्स सॉरी फ्लैक्स की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि वो नीचे शो करवाना है डायरेक्शन कॉलम, सिलेक्ट कॉम, विड्थ 200 पिक्सल। ओके बस ठीक है। ठीक है, कैटेगरी सोर्स ये, और इसी के साथ इसको फाइनलाइज करते हैं, और क्विकली जो न्यूज़ फीड की यूआई है उसको भी फाइनलाइज करके तो फिर बैक नेक्स्ट वीडियो में बैकएंड की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को फाइनलाइज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस यूआई को हम बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि ये जो बेसिकली जो डाटा है वो बैकएंड से फेच होके शो। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज की वीडियो में हमने काफी चीजों को क्लियर किया, हमने बेसिकली रिएक्ट नेटिव का इंप्लीमेंट किया, रिएक्ट स्लैक को इंप्लीमेंट किया, उसके अलावा हमने इस चीज को इंप्लीमेंट किया यहां पर, ये बेसिकली इसकी स्टेट शायद इनवैलिडेट हो गया, इसको मुझे देखना पड़ेगा, यहां पर इसको किया और ये इस चीज को रिसेट कर देते हैं, और इसको अभी के लिए सेट करते हैं। इसकी स्टेट को मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं इसकी स्टेट सेट कर रहा हूं तो वो इनवैलिडेट हो रहा है, इस चीज को मैं अभी बाद में देखूंगा कि क्या इसका मसला है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। और इसके अलावा जो हमने चीज सेट की वो ये थी कि जब यूजर कोई चीज यहां पे सेट करे, यहां पे एक वैलिडेशन हमने इसकी प्रॉपर लगाई कि ये इसके बिफोर में नहीं हो सकता, उसके अलावा जब सभी करते तो हमने यहाँ पर इसको प्रॉपरली यूआरएल में इंक्रिप्ट करके स्टोर करवाया, ताकि यूजर उसको उसके साथ कोई छेड़खानी करके उस वैल्यू को प्राप्त कर सके। ये सारा कुछ हमने आज वीडियो में कवर किया, होपफुली आपको आज वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.